हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मेरा नाम शिफाली है और आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स एकेडमी दुंदीगल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये फैक्ट्स आपको कहां तक इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन डिफेंस कोर्सेज के बारे बताना चाहती हूँ। अगर आप एफकैट रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सा कंटेंट है जो आपको डिफेंस रिटन एग्जाम्स क्लियर करने में हेल्प करेगा। आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी दुंदीगल हैदराबाद से 43 किलोमीटर दूर तेलंगाना में स्थित है और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, जबकि 1971 में इसका कार्य प्रभार शुरू किया गया था। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी दुंदीगल को बनाने का प्रमुख उद्देश्य था एयरफोर्स की सारी स्ट्रीम के कैडेट्स को एक साथ एक जगह पर ट्रेनिंग प्रदान करना। अकेडमी में फ्लाइंग, टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के अलावा भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है। एनडी खड़कवसला में अपने 3 साल पूरे करने के बाद वायुसेना विंग के कैडेट्स यहां पर बाकी कैडेट्स के साथ स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग की अवधि 1 साल होती है और इस अवधि के बाद कैडेट्स को भारतीय वायुसेना की अलग अलग स्ट्रीम में कमीशन किया जाता है। आइए अब हम बताते हैं आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसे सुनकर लेडी कैडेट्स और भी ज्यादा इंस्पायर्ड और मोटिवेट हो जाएंगी। भारतीय सेना के कदमों पर चलते हुए भारतीय वायुसेना ने भी इंडियन एयरफोर्स एकेडमी दुंदीगल को लेडी कैडेट्स की ट्रेनिंग के लिए 1993 में खोल दिया गया था। हालांकि लड़ाकू विमान उड़ाने की पात्रता उन्हें हाल ही में मिली है, जिसमें पहले बैच में 3 लेडी कैडेट्स जिनका नाम है अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंत ने फाइटर पायलट के तौर पर कमीशन लिया था। इस एक कदम में फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद फाइटर एयरक्राफ्ट को आसमान की ऊंचाइयों में उड़ाने का लेडी कैडेट का सपना पूरा होने की देर नहीं है। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स एकेडमी दुंदीगल में ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली एयरक्राफ्ट की, जो फ्लाइंग कैडेट्स भविष्य में आने वाली उड़ानों के लिए तैयार करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में सक्सेसिव स्टेजेस में फ्लाइंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। जो कैडेट्स फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए एग्जाम पास कर लेते हैं, उन्हें फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि राफेल, सुखोई, MiG-29, MiG-21, Mirage-2000, तेजस और जैगवर, जो कि भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन स्क्वाड्रन में शामिल हैं और कॉम्बैट स्क्वाड्रन में भी भेजा जाता है। वहीं जो कैडेट्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ाने की पात्रता और इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें IL-76, C-17 ग्लोबमास्टर और उसके अलावा लाइट यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ाने का मौका दिया जाता है। कुछ कैडेट्स हेलीकॉप्टर फ्लीट ज्वाइन करने के बाद विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर जिसमें गनशिप, अटैक हेलीकॉप्टर, हैवी लिफ्ट चॉपर्स और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स जैसे कि ध्रुव, अपाचे, Mi-26 इत्यादि उड़ाते हैं। एयरक्राफ्ट उड़ाने के अलावा इंडियन एयरफोर्स एकेडमी कैडेट्स को भारतीय वायुसेना के विभिन्न विभागों में सर्वोत्तम नेतृत्व के लिए भी ट्रेन करते हैं। कैडेट्स भारतीय वायुसेना के एडमिनिस्ट्रेटिव, एयर कंट्रोलिंग, मेट्रोलॉजिकल, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स और एजुकेशन जैसे विभागों में जाने के लिए एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AFA में 4 अलग तरीके की ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है, जैसे कि फ्लाइंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ग्राउंड ड्यूटी और जॉइंट सर्विस ट्रेनिंग। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में मित्र देशों के कई कैडेट्स भी ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं और एकेडमी द्वारा कमीशन भी दिया जाता है। इसी बीच एक खास जानकारी ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स एकेडमी की एकमात्र ऐसी मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी है जो किसी भी डिफेंस के रिटन एग्जाम्स का सेंटर भी होती है। कैंडिडेट्स एफकैट एग्जाम्स में एग्जाम सेंटर के तौर पर इंडियन एयरफोर्स एकेडमी दुंदीगल का चुनाव भी कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं उन एंट्रीज की जिसके जरिए आप इंडियन एयरफोर्स एकेडमी दुंदीगल में ट्रेनिंग लेकर भारतीय वायुसेना में कमीशन ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे UPSC CDS, जो कि कैंडिडेट्स को SSB और उसके बाद PABT क्लियर करने के बाद एक फाइटर पायलट के तौर पर ट्रेनिंग कराने की इजाजत देता है। इस एंट्री में सिर्फ जेंटलमैन कैडेट्स ही प्रवेश कर पाते हैं और ये साल में 2 बार आयोजित की जाती है। अब बात करते हैं FCAT यानी कि एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की, जिसके जरिए जेंटलमैन और लेडी कैडेट्स को इंडियन एयरफोर्स एकेडमी दुंदीगल के विभिन्न भागों में ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया जाता है। ये बताना जरूरी होगा
कि टेक्निकल और फाइटर पायलट स्ट्रीम के लिए आपको EKT यानी कि इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट क्लियर करने अनिवार्य है। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी दुंदिगल में परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों के लिए ही कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है। अगर बात करें कमांडेंट की तो AFA में कमांडेंट की लीडरशिप एक मार्शल रैंक के ऑफिसर के हाथों में दी जाती है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कैसे कैडेट्स इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में स्क्वाड्रन में डिवाइड किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में कैडेट्स 4 मुख्य स्क्वाड्रन में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिनका नाम है एक्विनो, बरार, चिटनेस और कतरे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी स्क्वाड्रन के नाम AFA के पहले 4 कमांडेंट्स के नाम पर रखे गए हैं। टर्म की शुरुआत से ही अलग अलग एक्टिविटीज जैसे कि क्रॉस कंट्री, ड्रिल कॉम्पिटिशन, फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग कैंप, क्विज, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आयोजित की जाती है। ये एक्टिविटीज सभी स्क्वाड्रन में कॉम्पिटिशन के बेसिस पर होती है और इन्हीं के आधार पर ओवरऑल चैंपियन को कमांडेंट बैनर दिए जाते हैं, जो किसी भी स्क्वाड्रन के लिए गर्व की बात होती है। ट्रेनिंग करिकुलम में बहुत अलग तरीके की एक्टिविटीज जैसे कि प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज, ऑन जॉब ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन, डिबेट, बुक रिव्यूज, गेस्ट लेक्चर्स, पब्लिक स्पीकिंग, ड्रिल, गेम्स, स्विमिंग, वेपन ट्रेनिंग, योगा, फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग और कल्चरल एक्टिविटीज कराई जाती है। अगर आपको इंडियन एयरफोर्स एकेडमी दुंदिगल की लाइफ के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप 1982 में आई मूवी विजेता को देख सकते हैं, जिसे उस समय लक्ष्य कहा जा सकता है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। फॉर लेटेस्ट अपडेट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर SSB क्रैक एग्जाम्स चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।